स्वागत है मेरे चैनल पे। और चलिए आज हम बात करते हैं, जैसे मेरे पास TVS अपाचे RTR 160 की बाइक है और इसके अंदर जो वायरिंग जो है चूहा जो है काट दिया है, तो इस बाइक में जो है करंट का प्रॉब्लम है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से इस बाइक का करंट आएगा। वो भी कोई भी सामान को चेंज नहीं करना है क्योंकि बाइक नई टाइप की है, और तो इतना जल्दी कॉइल वगैरह हमारा जो होता है CDI शॉर्ट नहीं करता है। और इसका वायरिंग जो है बुरी तरीके से चूहा जो है काट चुका है। आप देख पा रहे होंगे कि ये सब जो होता है हमारा वायरिंग, ये सब सारा काट दिया है। तो हम आपको बताते हैं कि बाइक में जैसे करंट नहीं आती है तो करंट को कैसे लाएंगे, तो चलिए हम बताते हैं। तो जैसे कि बाइक में जो है हमारा बैटरी है, बैटरी में ऑलरेडी चार्जिंग है और चाबी हमारा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ऑन है। तो चलिए हम अब किक मारते हैं और आपको करंट दिखाते हैं। मार मारो। देखिए मैंने यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से हाथ भी लगा रखा है, तब भी बाइक जो है करंट नहीं मार रही है। जब इसका जो होता है हमारा आर्मेचर कॉइल प्रॉपर तरीके से ठीक है, CDI भी ठीक है, बैटरी भी ठीक है, और सिर्फ वायरिंग का थोड़ा सा फॉल्ट है। तो इसको चलिए हम आपको बताते हैं। छोटा सा प्रॉब्लम है लेकिन परेशानी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने टंकी हटा दिया है, सीट खोल दिया, पैनल खोल दिया, वाइजर खोल दिया। तो यहाँ पर जो इसका मेन स्विच का वायर होता है वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे मेन वायर ये जो हमारा है ये ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से ठीक है, मैंने इसको चेक कर लिया है। और इसका सॉकेट कटा हुआ था ये भी मैंने जोड़ दिया है, तब भी बाइक के अंदर करंट का फॉल्ट है। तो चलिए अब हम आपको लास्ट स्टेप बताते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो एक वायर ये जो हमारा होता है ये वाला, आप इसको ध्यान से देखिए, ये वाला जो वायर होता है ये हमारा जैसे कटा हुआ है, तो इसको हम कहाँ पर जोड़ेंगे, जो कि बाइक में करंट का जो प्रॉब्लम है वो इसी वायर से है। तो इस वायर को जो है आप कनेक्ट जो करना है, अब देखिए यहाँ पर सेम यही कलर का वायर है और ये वायर ठीक है, तो सिर्फ इसको दोनों को अटैच कर देना है ठीक है। अगर ये तार आपका कटा हुआ रहेगा तो पूरा बाइक सही रहेगा, उसके बाद भी करंट नहीं आएगा। तो इसको हम आपस में जोड़ देते हैं अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर करंट चेक करते हैं। इसको आपस में जोड़ देना है, तो इसको जो है इस वायर को इस कलर को आपको ध्यान में रखना है और इसको अच्छे तरीके से कनेक्ट करना है। और ये वाला वायर जो है हमारा जो होता है इस वाले स्विच से रहता है ठीक है। हम देख पा रहे होंगे ये वाला जो हमारा स्विच होता है इसी वाले स्विच से ये वाला वायर आया हुआ है ठीक है। अब इसको देखिए, ये वाला स्विच जो है हमारा यहाँ से जो आया हुआ है इसी से आया हुआ है ठीक है। और यही वायर हमारा जो है टूट गया था। आइए करें, तो चलिए अब हम एक बार आपको करंट अब दिखाते हैं। वहाँ मैंने वायर जोड़ दिया है, मारो के मारो देख पा रहे होंगे कि प्रॉपर तरीके से करंट मारने में भी कोई तरह का। तो प्रॉपर तरीके से बाइक में जो है करंट आ गई। तो मैं आपको बता दूं कि आपको इतना परेशान होने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पूरा गाड़ी को खोल दिया और ये काफ़ी कम गाड़ी चली हुई, मात्र 10,000 किलोमीटर। तो एक छोटा सा वायरिंग जो है हमारी पूरी गाड़ी खोलना पड़ा उस वायरिंग की वजह से। तो आपको मैं बता देता हूं कि ये वायरिंग जो है आपको इसी तरीके से ध्यान देना है। मेन स्विच का वायर तो लगा हुआ था, सिर्फ एक वायर जो होता है हमारा वो वाला स्विच से, ये वाला स्विच से जो टूटा हुआ था, इसके वजह से हम काफ़ी परेशान थे। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इम्पोर्टेंट बात, ये हमारा चार्जिंग कॉइल है ठीक है, और यही कलर होता है और यही तार होता है ठीक है। यही तार हमारा जो है स्विच की ओर गया है और ये तार अगर यहाँ से भी टूटेगी तो बाइक स्टार्ट नहीं होगा, और वहाँ से भी टूटेगी तो बाइक स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं होगी। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि आपको जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए, आप सारा चीज़ नया लगा देंगे और तब भी बाइक में करंट नहीं आएगा, तो आपको इसी तरीके से ध्यान देना है। एक ये वाला स्विच का वायर टूटा हुआ नहीं रहना चाहिए और चार्जिंग कॉइल पर ध्यान देना चाहिए आपको। तो प्रॉब्लम तो हमारा प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो गया। चलिए एक बार हम आपको बाइक को स्टार्ट करके भी दिखाते हैं। तो फटाफट टंकी लगाओ,
तो फटाफट मैं टंकी लगा दिया हूँ। अब मैं इसका साइड पैनल लगाता हूँ, सीट लगाता हूँ और बाइक को स्टार्ट मार के आपको दिखाता हूँ लाइव प्रूफ के साथ। ये सब आपको हम बाइक को स्टार्ट करके दिखाते हैं। प्रॉपर तरीके से हमारे बाइक स्टार्ट हो गई है, देख पा रहे हैं बिल्कुल आसानी से वायर हमने सारा कनेक्ट कर दिया और बाइक स्टार्ट है। चौक हटाओ, ठीक है, सीट लगो, पैनल लगो।